24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिग बॉस ज़्यादातर लोगों के द्वारा देखा जाता है, लेकिन अब वहीं बिग बॉस को देखने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल अब सलमान खान बिग बॉस को होस्ट नहीं करेंगे, उसको होस्ट करने के लिए किसी और को देखा जा रहा है। तो आखिर अब कौन उसे होस्ट करेगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सलमान खान पिछले कई सालों से बिग बॉस के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी होस्टिंग का शो के फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि बिग बॉस के नए सीजन का इंतजार करने वाले सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, जिसे सुनकर वो निराश हो सकते हैं। बिग बॉस 17 का बेसब्री से इंतजार करने वाले फैंस के लिए एक गुड न्यूज और साथ ही एक बैड न्यूज भी है। सबसे पहले गुड न्यूज की बात करेंगे तो शो के होस्ट सलमान खान बिग बॉस 17 का पहला प्रोमो शूट कर चुके हैं और गणेश चतुर्थी के दौरान ये प्रोमो ऑन एयर हो सकता है। वहीं 22 अक्टूबर की जगह अब ये शो 15 अक्टूबर को शुरू हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े रियलिटी शो के सीजन में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट लगभग कंफर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं बुरी खबर की, तो सलमान खान बिग बॉस 17 का पूरा सीजन होस्ट नहीं करेंगे। अपने शूटिंग शेड्यूल के चलते सलमान शो हर हफ्ते होस्ट कर पाएंगे। उनकी टीम की तरफ से पहले ही ये मैसेज बिग बॉस की टीम को पहुंचाया गया है और मेकर्स भी इस नए चैलेंज के लिए तैयार हैं। दरअसल नवंबर से सलमान करण जौहर की अनटाइटल्ड फिल्म के लिए शूटिंग शुरू होने वाला है। इस फिल्म के साथ साथ नो एंट्री, मेन एंट्री और टाइगर 3 का काम भी जोरों शोरों से शुरू है। यही वजह है कि इस साल बिग बॉस को सलमान खान की डेट्स के साथ एडजस्ट करना होगा। सलमान खान बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर और ग्रैंड फिनाले के लिए अपना पूरा समय देंगे। इसके अलावा अगर उनकी शूटिंग मुंबई में हुई तो वो अपनी शूटिंग से टाइम निकाल कर बिग बॉस के लिए होस्ट कर सकते हैं। हालांकि कम समय की वजह से वीकेंड का वार में सलमान खान का स्क्रीन टाइम कम और बाकी एक्टिविटीज का समय ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा मेकर्स एक ऐसी होस्ट की तलाश कर रहे हैं जो सलमान की गैर हाजिरी में शो की जिम्मेदारी संभाले और जिन्हें कंटेस्टेंट भी सीरियसली ले। वहीं फराह खान और करण जौहर में से कोई एक सलमान खान की गैर हाजिरी में शो को होस्ट कर सकता है। महेश मांजरेकर की होस्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि क्या इन तीनों में से कोई एक ये शो होस्ट करेगा, ये मेकर्स कोई और चेहरा ढूंढेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस शो को अब कौन होस्ट करने वाला है। तो जैसा कि चर्चा चल रहा है कि इस शो को होस्ट करने के लिए करण जौहर कर सकते हैं या फिर फराह खान, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों क्या चाहते हैं कि इस शो को कौन होस्ट करे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।